हेलो फ्रेंड, बिजनेस माता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज न्यू बिजनेस आइडिया में जानकारी दे रही हूँ, जीरे का व्यापार कैसे करें। जीरे का व्यापार उन गांवों में आसानी से किया जा सकता है जहाँ जीरे की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। इस व्यापार को देश के किसी भी क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विदेशों में भी इसका निर्यात कर सकते हैं। भारतीय मसालों में जीरा मुख्य मसालों में से एक है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा चाट मसाला, गर्म मसाला, नमकीन आदि में भी इसका उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाई के तौर पर भी किया जाता है, इसलिए जीरे की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। जीरे का उत्पादन देश के लगभग सभी प्रांत में कम या ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन गुजरात और राजस्थान में होता है। जीरे के उत्पादन को देखते हुए इसका व्यवसाय करना एक अच्छा ऑप्शन है। जीरे का व्यवसाय कई प्रकार से किया जा सकता है और अच्छी कमाई की जा सकती है। आपके पास बजट कम है तो आप छोटे स्तर पर इस बिजनेस को कर सकते हैं, और बजट अच्छा खासा है तो आप बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को करें। छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शहर के होलसेल मार्केट से जीरा होलसेल के रेट में खरीद कर लाएं और पैकिंग करके दुकानदारों को सप्लाई दें। गाँव व शहर में लगने वाले हाट बाजार में भी आप रिटेल में बेच सकते हैं। इस तरह से व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा माल लाकर आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। जीरे की पैकिंग करके अपने ब्रांड के नाम से भी बेच सकते हैं। इस तरह से व्यवसाय करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट और सरकारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो गुजरात या राजस्थान से जीरा खरीद कर लाए और देश के विभिन्न प्रांतों में होलसेलर और रिटेलर को बेचे। देश का 80% से अधिक जीरा गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का लगभग 28% जीरे का उत्पादन होता है। देश के अन्य भागों में यहां से जीरे की सप्लाई की जाती है। यदि आप भी बड़े स्तर पर जीरे का व्यवसाय करना चाहते हैं तो गुजरात या राजस्थान से जीरा खरीद कर लाए और देश के विभिन्न प्रांतों में होलसेलर और रिटेलर को सप्लाई करें। बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर माल खरीदने और उसे सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीजन के दौरान ही जीरे की कीमत कम होती है और ऑफ सीजन में जीरे की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे में मुनाफे की बजाय नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। बड़े पैमाने पर जीरा सीजन के समय ही डायरेक्ट किसानों से खरीद कर स्टोर कर लेना चाहिए, ताकि साल भर आप उसे बेच सकें। किसानों से डायरेक्ट जीरा खरीदना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बड़े पैमाने पर इस व्यवसाय को करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। कौन कौन से सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी बिजनेस मंत्रा ब्लॉग में दिया गया है। ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अपना कमेंट जरूर दें। साथ ही इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। नमस्कार।